वर्ग एट विषय हिंदी, हिंदी में आप लोग को आठवां पाठ है बच्चे की दुआ। इस पाठ का दो पंक्ति कविता उसका अर्थ लिखवा चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को पहला पंक्ति कविता उसका अर्थ लिखवाने जा रही हूँ। इसे आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। एक बार मैं आप लोग को कविता पढ़ रही हूँ और उसके बाद उसका अर्थ बता रही हूँ। कविता है, ओ मेरे दम से रही मेरे वतन की जीना, ओ मेरे दम से रही मेरे वतन की जीना। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीना, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीना। चमन माने बगीचा, वतन माने देश, वतन माने क्या होता है देश, चमन माने बगीचा, बगीचा वही कहता हूँ। मेरे दम से रही मेरे वतन की जीना, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीना। जीनत माने बगीचा की जीनत जो होती है खूबसूरती, जीनत माने खूबसूरती। अब इस कविता का अर्थ है, कवि का कहना है कि बच्चे भगवान से ऐसी शक्ति या गुण की कामना करते हैं। कवि का कहना है कि बच्चे भगवान से ऐसी शक्ति या गुण की कामना करते हैं, जिस शक्ति या गुण से जन्मभूमि का गौरव बढ़ा सके। जिस शक्ति या गुण से जन्मभूमि का जन्मभूमि से कहते हैं जहाँ मनुष्य की जन्म होती है उसे जन्मभूमि कहते हैं, गौरव बढ़ा सके। अर्थात जिस प्रकार खिले फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है। जिस प्रकार अगर पौधा लगाते हैं उसमें फूल लग जाता है तो क्या होता है, और पेड़ का भी खूबसूरती जो है बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है। यानी फुलवारी अपनी सुंदरता के कारण आकर्षक का केंद्र बन जाती है। जब फुलवाड़ी में तरह तरह के फल और फूल लगा देते हैं तो उसमें जब फूल और फल फलने लगते हैं तो क्या आता है, देखने वाले की तांता लग जाती है, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत से लोग देखने के लिए आने लगते हैं, वह केंद्र बन जाता है, देखने का केंद्र बन जाता है। वही कह रहा है कवि, जब यानी फुलवाड़ी अपनी सुंदरता के कारण आकर्षक का केंद्र बन जाती है, उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगते हैं। उसी प्रकार सद प्रयास तथा त्याग से हमारी जन्मभूमि गौरवान्वित हो जाती है। उसी प्रकार सद प्रयास में हमेशा प्रयास कोशिश करने से तथा त्याग से हमारी जन्मभूमि गौरवान्वित, इस तरह हमेशा प्रयास करेंगे और दूसरा अपने देश के लिए कुर्बानी देंगे, त्याग करेंगे तो क्या होगा, हमारा देश के एक से एक बच्चे पढ़ लिखकर अच्छा बनेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, हमारा देश का क्या होगा, नाम होगा हमारा देश हमेशा गौरवान्वित, हमेशा सर ऊंचा कर कहेगा कि हमारा भारत वर्ष महान देश है। यही इस कविता का अर्थ है। इसे दो पंक्ति कविता उसका अर्थ लिखवा चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को तीसरा पंक्ति कविता उसका अर्थ लिखवा दी हूँ। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। जितना भी कविता अर्थ लिखा उसे एक एक पॉइंट पर नोट करते जाए, कविता भी याद करते चलिएगा, खूब मन लगा पढ़िए। व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी क्वेश्चन भेजा जाए उसे जितना जरूरत है बनाकर मैं व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आज का प्रश्न, ओके, धन्यवाद।